सत्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। जी मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी नाना गिव्स ए लेसन अबाउट जिहाद टू कसाब द अटैक ऑफ 26/11। ये मूवी उसका सीन है, आइए देखते हैं फिर उस पे करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए। तेरे के साथ रहना चाहता है ना तू? जन्नत छोड़। जन्नम का दरवाजा भी खटखटाया होगा ना इनकी रूह ने, तो वहां बैठे शैतान ने इनके गांड पर लात मारकर भगा दिया होगा। यही कहीं भटकती होगी उनकी रूहें, मैं तो नहीं देख पा रहा हूं, शायद तू देख सकेगा, तेरे अपने हैं। ये कौन है? क्या नाम है इसका? अब्दुल। अब्दुल, पूछ इन सबको क्या होता है जिहाद, कुछ शायद अब समझ गए होंगे। 41 बार जिक्र आया है जिहाद का पाक किताब में, फिर भी तुम लोग नहीं समझे। तुम क्या समझते हो, सिर्फ तुमने और तुम्हारे आका ने कुरान पढ़ी है? हम सब लोग जाहिल हैं, हमारी कोई औकात नहीं, बिसात नहीं। क्या औकात है तेरे आका के? दर्स में तेरे आका ने यह नहीं बताया हुआ तो अशरफुल मखलूक है, यानी इंसान, खुदा की बेहतरीन तखलीक इंसान। इंसान को बनाने के बाद सजदे करने का हुक्म दिया था खुदा ने फरिश्तों को, जानता है? तुम्हारे आका ने यह नहीं बताया कि जहन्नम के आग से बचने के लिए खुदा ने तौबा बनाई है? सच्चे दिल से अपने गुनाह की तौबा करता तो भी जन्नत तेरी थी। तेरे आका ने कुरान की इस नसीहत को तुझे नहीं बताया, कैसे बताता? ये तो जिहाद का गाजर दिखाकर तुमसे ऐसी घिनौनी हरकत कैसे करवाता? उसने कहा इस्लाम खतरे में है, जिन पर आफत आ गई है, और तूने भून कर रख डाला मासूमों को। मादर चोद, उन मासूम बच्चों से और औरतों से कौन सा खतरा था तेरे मसल? इस्लाम की नींव ही इंसानियत पे है, इसका तुझे इल्म ही नहीं, क्योंकि तू जाहिल है। ऐसे जिहाद के बाद तू समझता है तुम्हारी रूह पाकिजा और नूरानी रहेगी। देख इनके चेहरों को, घिन आती है, घिन। सुन इनके जिस्म से आ रही शहादत की खुशबू को। मादर चोद, नाक क्यों बंद करता है? सुन सुन, हम सुन सुन सुन
सो फरिश्ते आएंगे, शहर से उरे नहलाएं, तुम्हारे आका ने इन लाशों को पहचानने से तक इनकार कर दिया, दो गज जमीन तक नहीं मिली इन लाशों को, सारी दुनिया थूक रही, इसे कुर्बानी शहादत करता, शहादत देखने बाहर जाकर देख, जिन्होंने ना किसी का मजहब पूछा ना धर्म पूछा, अपने फर्ज पर कुर्बान, भगवान और अल्लाह की बनाई हुई कुदरत और इंसानियत की सलामती के लिए शहादत दे दी अपनी। सब लोग मातम मना रहे हैं उनके लिए, सबकी आंखों में आंसू है, उन्हें तो इस दुनिया में ही जन्नत मिल गई, इसे शहादत कहते हैं। तो खुशी से झूम उठाता ना जब तेरे आका ने इस काम के लिए तुझे चुना। एक बात बता, जिस जिसको भी तूने मारा कभी अपने जमीर से पूछा उनका गुनाह क्या है? जमीर 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 जानता है जमीर, बच गए तो गाजी नहीं तो शहीद, साले गीदड़ कफन के साथ साथ तेरी गांड पर शहादत का गाजर भी बांध दिया तेरे आका ने। तुझे ये नहीं बताया कि कयामत के रोज ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों की सजा सबसे पहले होगी? ये मैंने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उनके वादे उनकी नसीहत, ये जानता भी है तू? शहादत को तुम जैसे गुमराहों ने तमाशा बना के रखा, तमाशा। करना है जहाद तो करो, पहले अपने नफ्स के साथ, अपने दिल और दिमाग में पनपती हुई बुराइयों के साथ, वो है जहाद, जहादुल अकबर। एक बार कुरान ठीक से पढ़ता या सिर्फ पढ़ता तो भी समझ जाता मुसल्लम ईमान क्या होता है। अव्वल तो तुम मुसलमान हो ही नहीं, इस्लाम बहुत बड़ी चीज है, तुम्हारे जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे। तेरे उम्र का बेटा है मेरा, मकसद क्या है? कल तक गली का कुत्ता नहीं पूछता था शराफत के कपड़ों पर बेकार। ये जो सीन है ये नाना पाटेकर का, दे 26/11 ये मूवी का नेम तो नहीं मुझे पता ना, पहले हमने देखी ये, आज ही देखा ये पार्ट और मेरी नजरों से गुजरा तो मैंने इसको डाउनलोड किया आज चुना रिएक्शन वीडियो देने के लिए। तो यकीन करें लू लू रोंगटे खड़े हो गए, और क्या ही जहालत हिवानियत, कोई शायद इनके लिए अल्फाज ही ख़त्म हो जाए ऐसे मकरूह लोगों के लिए और मासूम लोगों को जिन्होंने मारा और दरिंदगी की इंतहा कर दी। ये यकीन करें
कोई सफाई नहीं देना चाहता, ना जहाद के बारे में, ना इस्लाम के बारे में, ना किसी और चीज़ के बारे में। लेकिन इतना मुझे पता है, ना ही मेरे आका और ना ही हमने कभी इस्लाम में ऐसी चीज़ सुनी है कि ऐसा कोई जहाद होता है। जहाद को इन्होंने अपने ही शक्ल ले ली है, अपने मफादात के लिए लोगों को गुमराह करके उनसे ऐसे जो है ना लोगों की बेगुनाहों की जाने लेना, उनकी जिंदगियां छीन लेने का नाम जहाद नहीं है। ये बस चंद जो इंतहा पसंद जो है लोग हैं जिनको पाला गया है, जिनको मिलिट्री विंग बनाया गया है, सिर्फ उन लोगों का माइंडसेट बनाया गया है, वरना ये जहाद नहीं है। बिल्कुल भी जहाद वो है जो बरियत हुई थी उस दिन, कितने मासूम लोगों का कत्ल किया गया, मासूमों को पता ही नहीं था कि हमारे साथ ये होने वाला है। और ये ऐसे जो हैवान नुमा जो इंसान है, इंसानियत भी दागदार कर दी इन लोगों ने। इस्लाम तो बड़ी दूर की बात है उसके। और देखिए कि ये जो कट्टरपंथा के ये लोग हैं जिन्होंने जहाद का नाम लिया हुआ, जहाद के नाम पे गुमराह भी ऐसे यंगस्टर को करते हैं जिनकी उम्र 12-15 से 18 साल की होती है, और उनको वरगलाते हैं और फिर उनसे ऐसे काम। देखिए ये फिल्म का एक सीन है, लेकिन कैसे हैवानियत टपक रही है इससे भी बुरी है उन लोगों के चेहरों से, और कितना ही बुरा अंजाम देखा है। और ये इससे भी बुरे अंजाम के मुस्तहिक थे, और यकीनन इनका अंजाम जो हमारे लिए नेक्स्ट आगे आएगा वो इससे भी दर्दनाक है, इससे भी बुरा है। क्योंकि एक इंसान की जो जान है वो पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है। और यकीन करें अल्फाज ही नहीं इस सब को जस्टिफिकेशन ऐसे ही। देखिए ऐसे करने वाले भी देखिए, आप देखिए कि वो ऑफिसर चाहे वो वीडियो फिल्म के अंदर ही है, लेकिन वो देखिए क्या पैगाम दे रहा है भाई कि अगर तू पढ़ लेता कुरान पाक को तो आपको पता होता कि ये जहाद नहीं है। जहाद अकबर जो है वो इंसानियत के लिए काम करने का नाम जहाद है, दूसरों के से प्यार मोहब्बत करने का नाम जहाद है, नफरतें करने का नाम जहाद नहीं है, किसी की जान लेने के लिए आसानियां पैदा करना जहाद है। भाई अब जहाद करना तो अपने नफ्स के सामने जहाद, जहाद की डेफिनेशन बिल्कुल भी बताने नहीं आए, बिल्कुल जो है वो है। लेकिन यहाँ पे अजीब तरह की ये मखलूक है जिसने जहाद के नाम पे कुरान की मुख्तलिफ को अपने धंधे के लिए इस्तेमाल किया, और इस गुमराही में इस हद तक गुजर कारोबार और कारोबार बना लिया। देखें ये जो तालिबान आज के टाइम में देख लें, ये दूर परे है कि उन्होंने कल, ये अलग बात है। देखें औरतों को इस हद तक उन्होंने कर दिया है कि तालीम छुड़वाई, जो कि जरूरी है हमारी शरीयत में तालीम देना, बाहर निकलना गैर महरम के साथ, पर्दे के साथ बाहर निकलना भी उन्होंने, यानी कि अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी अनापरस्ती, अपनी मर्दानगी किस पे दिखाते हैं, उन मासूम औरतों पे, उन बच्चियों पे, उन बच्चियों पे, और हुक्म सलब करते हैं। और यकीन करें यहाँ पे जब एक ऑपरेशन हुआ था ज़र्बे अज़ब या इस टाइप का एक ऑपरेशन, जिसमें हामिद मीर साहब जब वो एक इलाका खाली हुआ तो गए वहाँ पे पीछे रिपोर्टिंग करने, उस टाइम पे अभी खाली सर्च चल रही थी, तो यकीन करें मस्जिदों में वहाँ पे इन्होंने पोर्न मूवीज रखी हुई थी, मुजरे डांस गीत मस्जिदों में, ऐसी ऐसी चीज़ें और जो ताकत की गोलियां होती हैं सेक्स के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिल रही थी। तो यकीन कीजिए कि क्या कुछ कह भी नहीं सकते। जाहिल लोग हैं जिन्होंने अपना नाम मुल्ला रखा हुआ है और इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ है और सारे मुसलमानों की बदनामी का बायस बनते हैं इन चंद लोगों की वजह से। सबके ऊपर देखें वो कर रहे हैं, हमें भी उन लोगों को रोकना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं तरीके अगर हम नहीं रोक पा रहे तो ये हमारे मजहब के ऊपर बदनामी है। तो हमारे जो करने वाले हैं, जो हमारे कानून बनाने वाले इदारे हैं, क्या करें ये, उनका तो अल्लाह ही हाफिज है। और उन्हीं की वजह से ऐसे लोग जो है वो पनपते हैं, और इन ये लोग जो है ना वो मासूमों के माइंड को सेट करके उनसे ब्रेन वॉशिंग की सलाह से कर रहे हैं, और उनसे ये फिर ये मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अपनी मौत अब आप ही मर चुके हैं और मर रहे हैं। अब इनका कोई ना आगे ठिकाना है और ना ही कोई पीछे ठिकाना रहा है। ये एक थोड़ा सा पोर्शन रह गया है जो तालिबान का है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। आई होप सो आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो फिर लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।